हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रभात सर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको मॉडल्स का उड के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ। उड का प्रयोग कैसे और कहाँ होता है और क्या क्या अर्थ होता है। यस, अब आप बोर्ड पे नजर डालिएगा कि उड का प्रयोग हमने कैसी जगह और कितनी जगह मैंने लिया है। देखिए, पहला पॉइंट है मेरा इन पास्ट टेंस ऑफ विल, ठीक है। दूसरा है पास्ट हैबिट्स इन प्लेस ऑफ यूज टू, यानी यहाँ है स्पष्ट है यूज टू जिस तरह पास्ट हैबिट को रेफर करता है उसी तरह उड का भी प्रयोग पास्ट हैबिट को बताने के लिए होता है। तीसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट विद क्वेश्चन, यानी जब हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे पोलाइटली तो हम उड का भी प्रयोग करेंगे। और तीसरा चौथा है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, हम पास्ट में किसी की संभावना व्यक्त करते तो वहां पर भी हम उड का प्रयोग करते हैं। फिर है पास्ट विलिंगनेस, मतलब अपनी अंतिम इच्छा किसी का व्यक्त करते हैं तो उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। और लास्ट है कंडीशनल, तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम उड का प्रयोग करते हैं। तो पहला यहां देखिए, जस्ट लिसन टू मी एंड जस्ट सी केयरफुली, पास्ट टेंस ऑफ विल हर कोई जानता है। जैसे मॉडल का पहला दिन बताया था आपको, कैन कुड विल कुड मे माइट शैल शुड, ठीक है। यहां पर देखिए, ही सेड दैट ही कुड कम दैट डे, उसने कहा कि वह आज मुझसे मिलेगा, ठीक है। आज मुझसे मिलेगा, मेरे पास आएगा, इसका मतलब वह पास्ट टेंस में ही बात को बोला। इसको हम विल को चेंज करके मैंने यहां उड का प्रयोग किया। सेकंड है आई इन्फॉर्म्ड हर दैट आई वुड मीट हर टुनाइट, मैंने उसे सूचित किया कि मैं आज रात उससे मिलूंगा। ये जो पास्ट टेंस में मैंने डिलीवर किया और हम फ्यूचर पर रेफर कर रहे हैं, इसलिए यहां विल का पास्ट टेंस उड हो गया। तो पहला हो गया पास्ट टेंस ऑफ विल का पास्ट उड। अब नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, पास्ट हैबिट, यानी हम किसी व्यक्ति का किसी भूतकाल की आदत को रेफर करना होता है उसके लिए हम उड का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए, ही वुड वेस्ट हिज टाइम ऑन वर्शिपिंग, वह पहले अपना समय बातचीत करके ही बिता दिया करता था, बर्बाद कर दिया करता था। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस हिंदी देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि वह काम हमेशा वो किया करता था जो हैबिट के रूप में है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी वुड स्पिन द व्हील, गांधी जी सूत काटा करते थे, ये उनकी हैबिट थी। अब मैं अगर कहूं पहले कि पहले मैं आपस में भाई बहन के बीच झगड़ा किया करता था, उसका भी सेंटेंस हो जाएगा ये आई वुड क्वेरल विथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेन आई वॉज यंग, तो ये भी एक सेंटेंस है। तो पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम उड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, सॉरी यहां देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये पॉइंट है। तो वुड यू प्लीज टेक्स्ट योर मोबाइल नंबर, क्या आप अपना मोबाइल नंबर मुझे देंगे। तो उड के साथ जब प्लीज होता है ऐसे वाक्यों में तो हम उसको पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं। और फिर देखिए, वुड यू कम टू मी दिस इवनिंग, क्या आप मुझसे आज शाम में मिलेंगे या भेंट करेंगे। तो किसी को वाक्य को जब उड से शुरू करते हैं, विल देंगे तो भी है, विल और प्लीज देंगे तो भी, अगर प्लीज आप ना देते हैं तो उड से भी हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट का रेफर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, ये कैसे होगा। शी वुड बी हर मदर, किसी लड़की और किसी महिला को आपने देखा और उसके अनुमान के रूप में आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यह महिला उस लड़की की मां होगी, उस केसेस में होगी, और बोलने का टोन भी बदल रहा है तो क्या होगा, शी वुड बी हर मदर। नेक्स्ट है दैट ओल्ड मैन वुड बी 90, वह बूढ़ा व्यक्ति या वह बुजुर्ग 90 का होगा। यहां 90 का अर्थ ये नहीं कि 90 अंक या 90 केजी, यहां पर 90 का अर्थ हो गया ईयर यानी उम्र। तो किसी चीज को देख के, आप मेरे हाथ में मार्कर है, इसको देख के मैं अगर अनुमान करूं और कहूं कि यह मार्कर 20 रुपए का होगा तो क्या बोल सकते हैं, दिस मार्कर वुड बी फॉर रुपीज 20। किसी चीज के लिए अनुमान करना हो तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग आप उड से ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब आ गया पास्ट विलिंगनेस। अब पास्ट विलिंगनेस क्या होता है, हिंदी देखिए, वुड दैट आई वर एक्टिव अगेन। अब यहां पर वुड दैट की हिंदी देखिए,
काश मैं फिर से या पुनः एक्टिव हो जाऊं या हो जाता, यानी हूं नहीं, हूं नहीं, इसलिए तो मैं काश बोल रहा हूं, काश ऐसा होता, इसलिए इसको कहते हैं पास्ट विलिंग ने, इच्छा है, डिटर्मिनेशन है, लेकिन हूं नहीं, नेचुरल तो है, अनरियल है। काश मैं पक्षी होता, वुड दैट आई वर अ बर्ड, ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहां लिखा हुआ वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता तो उड़ जाता, वुड दैट आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो assumptions या आपका विशेष का सेंटेंस को हिंदी और इंग्लिश ऐसे ही होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंडीशनल है, ही सेड दैट यू, सॉरी पास्ट विलिंगनेस है, ही यू सेड दैट यू वुड हेल्प मी, तुमने कहा कि तुम मुझे मदद करोगे या तुम मेरी मदद करोगे। तो ये जो पास्ट में उसने कहा, विलिंगनेस जाहिर किया, उसने कहा कि तुम मेरी मदद करोगे, कहा, ही वुड रादर गो देन स्टे, ये पास्ट उसका क्या बता, विलिंगनेस, उसकी इच्छा है, ही वुड रादर गो देन स्टे, उसकी इच्छा है कि चला जाए बल्कि रुकने से, यानी उसकी इच्छा है कि रुकने के बजाय वह चला जाए, वो अपना विलिंगनेस जाहिर कर रहा है। वुड रादर होता है तो देन लगता है, ये भी आपका एक कंडीशन जा रहा है, देखिए वुड रादर के साथ देन होता और ये विदाउट इन्फिनिटिव, विदाउट टू, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ये इन्फिनिटिव चैप्टर में फिर आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और लास्ट देखिए कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इफ आई वर एन एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड अपलिफ्ट द एजुकेशन सिस्टम। अब यहां पे देखिए इसके और इसके तुलना क्या है, इसको ध्यान से देखिए, इसको कंडीशनल बोलते हैं क्योंकि है तब तो होता, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो शिक्षा की स्थिति या शिक्षा प्रणाली को अपलिफ्ट कर देता, उठा देता, तो ना हूं ना उठा रहा हूं, अगर होता तो ऐसा होता। तो दोनों तरफ से कंडीशन होने में ऐसे प्रयोग, इफ आई वेयर एन एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड अपलिफ्ट द एजुकेशन सिस्टम। फिर लास्ट सेंटेंस देखिए, इफ ही हैड प्लेड फुटबॉल ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, यदि वह फुटबॉल खेला होता, खेलता तो वह सफल हो जाता। इसका मतलब यह भी हो गया कि हैड और भीतरी लगेगा ना, तो वुड हैव और हैव बीन या भीतरी लगेगा, यह हुआ कंडीशनल सेंटेंस। दिस इज द एंड ऑफ वुड। तो एंटायर आपने देखा, लास्ट वीडियो भी आप देख लेंगे, इसका कंटिन्यूएशन है। तो टोटल मॉडल्स का जो मैं सीरीज दिखा रहा हूं वीडियोस में, आप उसको हर वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, और वन वन पॉइंट जो मेरा छोटा छोटा उसको आप नोट करें और उसके अनुसार आप अपना स्टडी करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर वंस अगेन।